मदर इंडिया तो आपने जरूर देखी होगी। बैल की जगह खेत को खुद जोतने का नरगिस का सीन आप नहीं भूले होंगे। कैसे एक माँ विपरीत परिस्थिति में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बुरे समय को भी परास्त कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स आखिर ये सब बातें आपको क्यों बता रहा है। यही तो काम लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स का है कि आपके लिए देश के कोने कोने से पॉजिटिव और प्रेरणात्मक स्टोरी को परोसना। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रयागराज की 63 साल की मदर इंडिया वीणा पानी से, जिनके पति ही नहीं बल्कि 3 सौतेले बेटे भी हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने साथ नहीं रखा। वीणा पानी बताती है कि उन्हें रखने की शर्त ऐसी रख दी गई कि उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और अकेले ही रहने का फैसला किया। हमारे हस्बैंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में साइंटिस्ट T2 होकर रिटायर हुए 2006 में। कहते तुम हमारे संग न रहो। जब लड़के की शादी हुई तो सरकारी मकान खाली करना पड़ा, तो सरकारी मकान खाली किया। उसके बाद लड़के की शादी करें, हमका हम भी चलें, कहें नहीं। हमका कह देना भाई पड़ोसी हैं, तो कहने लगे। हमने कहा अगर कोई आ जाए अपने आप तो कह मुँह में वो टेप लगा के कमरे में हाथ पाँव बांध करके मैं रख दूंगा। मैं फिर नहीं। 3 लड़के हैं इनकी, फर्स्ट वाइफ के 3 लड़के हैं। उनकी वाइफ मर चुकी थी तब मैंने शादी किया 2 साल बाद। वीणा पाणी ने जब शादी की थी तो ना जाने कौन कौन से सपने देखे थे, लेकिन जिस परिवार का उन्होंने हाथ थामा जब उसने ही साथ छोड़ दिया तो उनके लिए रोजी रोटी का भी संकट आ खड़ा हुआ। लेकिन वीणा पाणी ने हार नहीं मानी और ई रिक्शा चलाने का फैसला किया। तब नया नया ई रिक्शा चला था। शुरू में मैंने सोचा था नैनो खरीदूं, लेकिन पैसा पा गए, फिर हमने सोचा घर में रहना है तो नैनो खरीद के क्या करेंगे, तो नहीं खरीदा। उसके बाद ई रिक्शा का आया तो हमने कहा देखे जरा इस ई रिक्शा हम भी चला लें। जब हम चला लेते हैं, अपटॉन TV फैक्ट्री से मैं रिटायर्ड हूँ सीनियर असिस्टेंट होकर। बेशक आज वीणा पाणी को उनके 3 सौतेले बेटों और पति ने छोड़ दिया हो, लेकिन वो आज भी पूरे स्वाभिमान के साथ जी रही हैं। और यही नहीं, खुद के पास कुछ नहीं होने के बाद भी वो लोगों की मदद करने से नहीं चूकती। मैं कर सकती हूँ और काम भी कर सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए काफी वो चाहिए। हमारी और हमारी छोटी बहन की दोनों के एक ही हालत। उसके 3 कुआरे देवर थे, उन्होंने रहने नहीं दिया। हमारे 3 लड़के थे, उन्होंने रहने नहीं दिया। वो भी जब विडो हो गए, उसके देवरों ने नहीं रखा, तो फिर हमारे पास चली आई। पेंशन पा रही थी नहीं वो, अब उसकी डेथ, किसी ने कोई सामान मंगाया या किसी ने कहा कि कम दूरी किया कि हमको वहाँ तक जाना, तो छोड़ भी देते। मानव सेवा भी मैं कर देती हूँ, सामान ले आना हो तो ले आ देती हूँ। जब कभी भी हम निकलते हैं, वैसे तो बाइक से ही निकलते हैं, लेकिन कभी 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 ऐसा समय आता है कि हम लोगों को रिक्शे का सफ़र करना पड़ता है। और यकीन मानिए कि महिला रिक्शे वाली यदि दिखाई पड़ जाती है तो हम सबसे पहली सवारी उनके ही रिक्शे पर करना चाहते हैं। और ये तो हमने देखा है कि ये बहुत ही अच्छी रिक्शे वाली हैं। उन्होंने जो है तो कई बार हमने देखा है कि जिस किसी के पास पैसे नहीं होते ये उन्हें भी बैठा लेती हैं, उन्हें भी अपने स्थल पर छोड़, जिनकी मर्जी होती दोबारा मिलता है तो पैसे देता होगा। 63 साल की उम्र में वीणा पाणी जिस प्रकार ई रिक्शा चलाकर खुद का जीवन यापन कर रही हैं, वो बदलते हुए भारत की कहानी बयान करता है। आज उनका महिलाओं के लिए यही संदेश है कि औरतों को जरूरत पड़े तो बिना झिझक के काम करना चाहिए, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। हस्बैंड जो है नाकाबिल हो तो औरत और लड़कों को काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं। मोबाइल वगैरह से खेलते रहते, पढ़ाई पर ध्यान दे बच्चे। उम्र के इस पड़ाव में जब इंसान को प्यार और सहारे की जरूरत होती है, ऐसे वक्त में अपनों द्वारा छोड़े जाने का दर्द बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन वीणा पाणी ना सिर्फ अपनी उम्र की औरतों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई हैं। अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो बड़ी से बड़ी तकलीफें छोटी हो जाती हैं।